प्रत्याशी के रूप में विद्युत वरण महतो ने नामांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्न मित्तल के समक्ष दाखिल किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई एनडीए के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विद्युत वरण महतो ने 2014, 2019 एवं 2024 के लोकसभा चुनाव के यानी लगातार तीसरे बार जमशेदपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। पिछले दो लोकसभा चुनाव उन्होंने ही जमशेदपुर में जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ उनकी हैट्रिक हो जाएगी। नामांकन से पूर्व साक्षी बोधि टेम्पल मैदान में सभा का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के अलावा काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां से सभी पैदल उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, भारत उज्ज्वल भविष्य के रूप में बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसे हम लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे और एक सशक्त भारत के निर्माण करेंगे। वही भाजपा उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने भाजपा के विकास के कार्य उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए कहा कि वे इस बार हैट्रिक करेंगे। आपकी बात जमशेदपुर 5 लाख पार होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के जो एनडीए का सरकार होगी उसमें 400 से जमशेदपुर भी उसमें शामिल होगा। सिर्फ जमशेदपुर नहीं बल्कि झारखंड के 14 से 14 सीट हम लोग जीत का मोदी जी का गिफ्ट के रूप में देंगे, ताकि इतिहास भारतीय जनता पार्टी करे और तभी संभव होगा जो हमारे कार्यकर्ता इसमें जानों दिन तरह का जिस तरह पिछले बार लगे है इसका भी लगना है।